बार देखा है कि गोले घंटे के ऊपर आप आइसक्रीम डाल रहे हैं, यानी आप जो है बेसिकली इन सारी थालियों के पांच रेजो हैं कि आप निकालते हैं सब कुछ और लोग खाते हैं आपको। लेकिन ये 700 रुपए की है प्राइस, 300-400 भी तो खाली आइसक्रीम है। 400 की कौन कौन सी जगह बताएं अब हमें। चार फ्लेवर आइसक्रीम के आते हैं, पहले नूडल्स गए हैं, उसके बाद जेरी गई है, फिर बादाम गए हैं और फिर ये जा रहे हैं स्प्रिंकल्स। एक्सीलेंट यार, मतलब पहली बार तो मैंने देखा है कि गोले घंटे के इससे बड़े बड़े भी आइसक्रीम गोले होते हैं। वेरी नाइस, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। ये देखना है मुझे कि यार खाने में कितने मजे का है, ना मुँह में पानी आ रहा है ना इसको देख के। बहुत ही चॉकलेटी है, बहुत ही नमकीन है और रिच फ्लेवर है चॉकलेट का। खाली आइसक्रीम है, 400 की कौन कौन सी जगह बताएं अब हमें। चार फ्लेवर आइसक्रीम के आते हैं, तो ऐसे ये देखें यहाँ पे क्या आइसक्रीम है, ये बनते हुए नजर आएगी ना इसे, तो ये खाली है, ये खाली 700 की थोड़ी नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगा अभी खाली थाली दे रहे हैं 700 में। 900 रुपए की खाली थाली है। अच्छा माहौल बना रहे, फुल माहौल बना है, उन्होंने मच्छर पकाने के लिए धुआं भी लगाया। अच्छा यार चपाटे माहौल होने, क्या कर सकते हैं। चलो भाई थाली बना, चलो भाई रेडी करूँ। हाँ जी बिल्कुल रेडी करें। सबसे पहले नूडल्स आएंगे, ओके अभी जेली आएगी। ये तो फालूदा स्टाइल हो गया, तो फालूदा ही बनेगा ना, ये खाली नूडल्स होते हैं इसमें। अच्छा बादाम पिस्ते वगैरह, ओके जी बादाम जा रहे हैं इसके अंदर। पहले नूडल्स गए हैं, उसके बाद जेली गई है, फिर बादाम गए हैं और फिर ये जा रहे हैं स्प्रिंकल्स। खूबसूरत लग रहा है यार, सही बना रहे हो, ऐसी बना। उसके बाद जा रही है बंटीज, ओहो और फिर क्या जा रहा है। अच्छा वो दूसरे पे जा रहा है भाई, इस पे आपने सिर्फ नूडल्स डाले, दूध है ये फालूदा बनेगा। अच्छा ये फालूदा बनाएंगे आप, ठीक है। ये निकाली भी मैंने और बाकी जगह पे जो है ना, भाई ने बोला है मैं मेरी तरफ से ही ओरिजिनेटेड है, मैं इसका क्रिएटर हूँ। आप नीचे जाएंगे 1200 रुपए की यही थाली चल रही है, यानी आप जो है बेसिकली इन सारी थालियों के पांच रेजो हैं कि आप निकालते हैं सब कुछ और लोग खाते हैं आपको। मटका गोला भी मैंने निकाला है। ओ भाई यार, मैंने पहली बार देखा है कि गोले घंटे के ऊपर आप आइसक्रीम डाल रहे हैं। आप पहली मरतबा खाने आई है मुझे लग रहा है। एक्सीलेंट यार, मतलब पहली मरतबा मैंने देखा है कि गोले घंटे के इससे बड़े बड़े भी आइसक्रीम गोले होते हैं। ओए होए, वो भी आप इजाद करेंगे फिर, वो भी आपकी इजाद है। वेरी नाइस, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। ये देखना है मुझे कि यार खाने में कितने मजे का है। ओह माय गॉड, लुक एट इट। ये कुल्फी
जो कि मौसम के हिसाब से फुल पिघल चुकी है। और जाहिर सी बात है आप अगर बी रोल बनाने होते तो कुल्फी अच्छा टेस्ट कर रही है, लेकिन उसमें जो मैंने रूह अफजा डाला था वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास है चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हर चीज़ आपको पता है पिघल जाती है। भाई साहब बहुत ही चॉकलेटी है, बहुत ही नमकीन है और रिच फ्लेवर है चॉकलेट का। उसके बाद है हमारे पास वनीला आइसक्रीम विद ओरियो, तो हम ऐसे करेंगे डंक इसको और हम बनाएंगे आइसक्रीम सैंडविच। ओके, जो मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा डकी हो गई है तो हम इसमें डंकिन करते हैं, वनीला आइसक्रीम है ये। मैं सही बता रही हूँ दोस्तों के लिए ना ये वाली थाली फुल पावा पैक है, ये रेगुलर गोलाकंडा है लेकिन आइसक्रीम गोलाकंडा है, लेकिन हम ये गोलाकंडा तोड़ेंगे फिर जैसे आइसक्रीम लेंगे और इसको यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद गोलाकंडा नेवर। ओके गाइस, भाई ये थाली का मैंने आपको रिव्यू बता दिया है, आप बताएं यहाँ पे आए हो ये थाली खाएं और मुझे बताएं कि इज़ इट वर्थ 700 रुपीज़ और नॉट। आपको मिलते हैं कॉमेंट्स में, ब्लॉग में, दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ, नमस्ते।